नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग इंजीनियर वैकेंसीज दैट हैव बीन पोस्टेड इन बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसमें जो है ये वैकेंसीज़ निकली हैं और इनकी सारी डिटेल मैं आपको दूंगी। तो आपको पता है कि बीएल जो है एक बहुत ही फेमस पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कहीं आप एक कंपनी है ये और लिमिटेड कंपनी है जिसमें 350 ये प्रोडक्ट्स के साथ जो है 350 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ ये डील करती है। तो बहुत ही वास्ट जो है इसका स्कोप। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वैकेंसीज़ कुछ निकली हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज़ हैं। तो इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अपने आप में मायने रखता है इतनी अच्छी कंपनी से। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। इसकी आपको डिवीज़न भी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की 40 पोस्ट हैं, कुछ मैकेनिकल की हैं 14, कंप्यूटर साइंस की हैं, इलेक्ट्रिकल की हैं और सिविल की हैं। इन टोटल जो है 67 पोस्ट हैं यहाँ पर। और इसके लिए जो आपसे मांगा गया है वो है आपने बीई, बीटेक या बीएससी 4 ईयर कोर्स किया हो, इंजीनियरिंग डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स and above for general EWS and OBC and below 55 for SC, ST and PWD candidates। तो ये जो है ये must qualification है 55% अगर आप unreserved category से belong करते हैं तो, और अगर reserved से belong करते हैं तो below 55 वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है दैट इज़ मिनिमम आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। अपर एज लिमिटेड जो है वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट होंगी, आपका एक्सपीरियंस भी, आपकी अपर एज भी और क्वालिफिकेशन भी। तो अपर एज जो है वो 32 ईयर्स यहाँ पर मांगी गई है। तो रिजर्वेशन देख सकते हैं आप किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर में जो है 4 मंथ्स के लिए आपको दिया गया है स्केल की, सॉरी पर मंथ जो मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर के लिए मिलेंगे 40,000, देन 45, 50, देन 55, 5,000 पर ईयर जो है इंक्रीमेंट है मंथली सैलरी में। फिर ट्रेनिंग इंजीनियर की अगर बात करें तो इनकी भी काफ़ी पोस्ट हैं, 169 टोटल पोस्ट हैं। कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 103, मैकेनिकल के लिए 50, कंप्यूटर साइंस के लिए 8, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और आर्किटेक्चर की 1 पोस्ट है। आपसे सेम जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए थी। और इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 6 मंथ्स का मांगा गया है, लेकिन अपर एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 28 ईयर्स। ऐसे ही ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए जो है 11 पोस्ट हैं, यहाँ पर आपको 2 ईयर MBA मांगा गया है। और परसेंटेज का क्राइटेरिया जो है वो तो सेम है, एक्सपीरियंस भी 6 मंथ्स का ही मांगा गया है, तो कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए। और आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए 73, ओबीसी 49, SC ST 27 एंड 13 रिस्पेक्टिवली एंड EWS 18 वैकेंसीज़। और अगर सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर जो है वो आपके लिए 30,000, 5,000 का यहाँ पर भी जो है इंक्रीमेंट है। 2nd ईयर में 35 और 3rd ईयर में जो है 40,000 सैलरी है। तो सैलरी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें बाकी चीज़ों की तो देखिए, ये डिटेल्स आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट एंड अलाउंस यहाँ पर दिया गया है। जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होंगे जो कि हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी पोस्ट की, तो उनका जो इनिशियल पीरियड रहेगा, इनिशियली वो 3 साल के लिए एंगेज किए जाएंगे और 1 साल जो है उनका एक्सटेंड भी हो सकता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हुए भी। और सैलरी किस ईयर में कितनी रहेगी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर ट्रेनी इंजीनियर या ट्रेनी ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए जो है उनको 2 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा और 1 साल जो है एक्सटेंड भी हो सकता है उनका प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होता है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखते हुए एक्सटेंशन मिल सकती है। और सैलरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 30,000 से शुरू है और 5-5 हज़ार का इसमें भी इंक्रीमेंट है। 30, 35 और थर्ड ईयर में जो है 40,000 होगी। इन एडिशन टू रेन्यूमरेशन indicated above, a consolidated amount of 12,000 per year will be paid। देखिए बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपको सैलरी तो जो दी है इन्होंने वो तो मिलेगी ही मिलेगी सभी पोस्ट के लिए। आपको 12,000 रुपये जो है वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस के अटायर अलाउंस या जो भी फुटवियर या स्टिचिंग चार्जेस जो है वो मिला करके जो है आपको 12,000 जो है पर ईयर ये भी मिलेंगे। अपर एज लिमिट हम बता चुकी हैं आपको कि 32 ईयर्स जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और 28 जो है वो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को इसमें एज में रिलैक्सेशन है, तो ओबीसी को जैसे 3 साल है, SC ST को 5 साल का है, तो 10 साल का जो है वो PWD कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको मिलेगा जो भी हैंडीकैप्ड हैं। और SSLC SSC या ISC मार्क कार्ड और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी 10th की मार्कशीट जो है वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो सकता है। तो और बाकी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं जो पहले होती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको बिल्कुल डिटेल में दी हुई है कि आप जब भी अप्लाई करें तो आपने सेम जो है उसी फील्ड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, डिसिप्लिन यहाँ पर दिए हुए हैं किसके लिए आपने क्या किया हो, तो आप सारी डिटेल पढ़कर ही जो है अच्छे से, और अगर आपके 55% मार्क्स बनते हैं तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो ही आपको अप्लाई करना है। और एक्सपीरियंस की संबंधित भी जो है डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। बाकी अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यही मेन बात आती है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें जो है एग्रीगेट मार्क्स इन द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन 75% जो है आपको वेटेज मिलेगी आपकी जो भी डिग्री के हिसाब से मार्क्स हैं। फिर एक्सपीरियंस की जो है वो 10% मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू जो होगा उसके 15% मार्क्स जो है कैलकुलेट होंगे। और जो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए जो है पहले 85 से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और पोस्ट से 5 गुना कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये जो थी सिलेक्शन प्रोसीजर की आपको डिटेल्स दी हैं। फिर बात आती है एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी भी है यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 जो है उसके लिए 500 रुपये है और ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के लिए जो है 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और जो भी कैंडिडेट्स SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी कोई चार्जेस नहीं है, तो उनके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं। बाकी ये जो ऐड है मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, आप हमें वहाँ पर भी जो है नवी क्लासेस से सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। तो और कुछ यहाँ पर आपको और भी जो फैसिलिटीज़ ये देंगे वो भी सारी चीज़ें और इसके आपके इंटरव्यू से संबंधित भी सारी जानकारी जो है यहाँ पर दी है। आप पूरा ऐड पढ़ें। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की वो है आपकी 4 फरवरी। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप ये ईमेल आईडी दी है, आप इनको मेल भी कर सकते हो और या फिर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन यूजुअली आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्वालिफिकेशन को लेकर या एक्सपीरियंस को लेकर ही रहते हैं, तो आप अपना जो डाउट है इनसे आप क्लियर कर सकते हो। 4 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है, इससे पहले आप जो है इनको मेल करके और अपना डाउट क्लियर करके इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु यू थिंक आर एलिजिबल फॉर दिस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।